बोल रहा हूँ छोटे, मैं गाजीपुर गोडाउन में हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलो भैया। हमारे बेटे और दामाद को जिसने मारा उसका पता चल गया है, उसकी वीडियो क्लिपिंग मैं तुम्हें मेल कर रहा हूँ, अपने आदमियों को दिखा के उन लोगों से होशियार रहने को कहना। ठीक है भैया। शाम कहाँ पे हो? वही टैंकी को कार के अंदर घुसाया है। सिक्योरिटी कहाँ मार गए? सब लोग सुनते नहीं हो? जिसने भी इनको मारा है वो बहुत खतरनाक लोग हैं, नहीं तो इतनी बुरी तरह से इनकी हत्या नहीं करते। आई एम वेरी सॉरी सर। ये काम जरूर उस वीर प्रताप का ही होगा। हम लोग यहाँ इतने दुखी हैं और वो वहां पर खुशियां मना रहा है। हरामखोर, वो इंसान नहीं राक्षस है। खुशियाँ क्यों बना रहे हो? जीजू, हमारे दुश्मन का मरण दिन है, इसीलिए खुशियाँ मना रहे। उस श्रीपति को उसी के फैक्ट्री में किसी ने लुढ़का डाला। नाराज की औलाद, हमारा दुश्मन किसी और के हाथों मारा गया तो हमारी जीत कैसे हुई? मतलब तेरे दोस्त की शादी हुई तो उसकी बीवी तेरी बीवी हुई, कोई दूसरा खाएगा तो तेरा पेट भरेगा क्या? अपने दुश्मन को हमें खुद मारना, उसे हमारे हाथों मरना होगा। हाँ, उस श्रीपति को मारने का प्लान हमने बनाया था और हमसे पहले किसी और ने मार दिया उसे। उस रघुपति के परिवार का चाहे जो भी हो, हमें उसे मारना होगा, तभी हमारी दुश्मनी बरकरार रहेगी, तभी हम जश्न मनाएंगे। सर, रघुपति जी आए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। खबर कर देते तो मैं खुद आ जाता। एक सरकारी अधिकारी को अपने पास बुलवाना सही बात नहीं है। बैठिए सर। भाई साहब के बारे में सुनके दुख हुआ। आई एम सो सॉरी सर। हत्यारों का कुछ पता चला क्या? हम उसी काम पे लगे हैं सर। आपको अगर किसी पे शक है तो हमें बताइए। सर, हमारे कई तरह के बिजनेस हैं और हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। पहले ही हमने अपने परिवार के 3 लोगों को खोया है, अब और किसी को खोना नहीं चाहता। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा भाई गजपति आपको दे देगा। अब चलता हूं मैं। ठीक है सर, चलते हैं। नमस्ते। भैया, बैंगलोर से ऑडिटर ने फोन किया था, फॉरन से क्लाइंट आया है, उनसे मीटिंग है, अर्जेंटली बुलाया है। जाओ। ठीक है, चलो। कहां तक पहुंचे वो? उनके मोबाइल सिग्नल के मुताबिक लगता है 10 मिनट में वो हाईवे को टच करेंगे। भैया, कुछ पता चला क्या? आपका अनुमान बिल्कुल सही निकला। इस मर्डर का वीर प्रताप से कोई लेना देना नहीं है। फिर किसने किया होगा? जले हुए उस गोडाउन के बाहर से सिर्फ 2 लोगों के जूतों के निशाने दिखाई दिए हैं और कोई सुराग नहीं मिला।
इसका मतलब दो लोग हैं। वो दोनों कौन हो सकते हैं? सुनो, गजपति बाहर गया है, उसे वापस बुला लो। गेट रेडी। ओके, वो एक मिनट के अंदर हमारी रेंज में आएंगे। हाँ बोलना कर। चाचू, पिताजी तुम्हें वापस आने को बोल रहे हैं। ए, गाड़ी रोको। क्या हुआ? रेंज में आ गया था, ट्रिगर दबाने ही वाला था कि यू टर्न लेकर वापस चला गया। नो प्रॉब्लम, लगता है उसकी मौत हाईवे पे नहीं, कहीं और लिखी है। लेट्स गो। क्यों भैया, मैंने कहा तो था ऑडिटर के साथ मीटिंग है, वापस क्यों बुला लिया? ऑडिटर से मैं बात कर लूंगा। आज से हमारे सारे बिजनेस का हेड ऑफिस बेंगलुरु नहीं बल्कि हमारे गांव का। हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, हम घर से कैसे करेंगे? करना ही पड़ेगा। और दिमाग ठंडा रहा पिताजी, हम किसी से डर के घर के सारे मर्दों को चूड़ियां पहन के बैठने को कहें क्या? पांडव किसी से डर कर जंगल नहीं गए थे, उन्हें परिस्थिति ले गई थी। तुम लोगों को क्या लग रहा है मैं डर गया हूं? नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। अब हमारे दो दुश्मन हो गए हैं, वो कौन है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे बारे में वो सब जानता है। इसीलिए हम सबको यहीं पर रहकर उसका पता लगाना होगा। कब पता लगाएंगे आप? इतना नाम और इतना रुतबा होते हुए भी आज तक पता नहीं लगा पाया। जवान लड़की को कब तक घर में बिठा के रखेंगे हम? पहले से आपके बड़े भाई की बेटी विधवा होकर घर में पड़ी हुई है। आप हमारी बेटी की शादी यहाँ से कहीं दूर करवा दीजिए, शायद वो वहाँ सुरक्षित रहेगी और हम भी यहाँ पर खुश रहेंगे। अमेरिका के एक लड़के के बारे में भैया ने बताया था, वो मुझे भी पसंद आया। लड़का दो दिन में इंडिया आ रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो दो दिन में उनकी शादी कर देंगे। सही बात है, भैया ठीक कह रहे हैं। तुम जैसा चाहती थी ठीक वैसे ही लड़की की शादी करके अमेरिका भेज देते हैं। अब तो खुश? बहुत खुश हूँ मैं। जल्दी जल्दी रो। अरे क्या बना रही हो? मसाले की खुशबू ना जबरदस्त आ रही है। आज कुछ खास बना रही हूँ। क्या सब्जी बना रही हूँ? बड़ी आई खाना बनाने वाली, हर जगह हम बनाते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो जेठ जी हमें ही डांटेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आज खाना मैं बनाऊंगी, आप सब खाइए। बनाने दीजिए, आगे से इसे ही तो बनाना है। मैके जा रही है? नहीं बेटा, तुम ही ससुराल भेज रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, चार दिनों में तुम्हें देखने अमेरिका से लड़का आ रहा है, ऐसा तुम्हारे पिताजी बोल रहे थे। क्या कहा? अमेरिका वाले से शादी मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। कोई भी नालायक चलेगा, वो इस गांव का होना चाहिए और उसे हमारे साथ रहना होगा। ये बात हमें नहीं, जाकर अपने पिताजी से कहूंगी। मैं क्या डरती हूँ? अजय जी, खाना कैसा बना है पिताजी? कुछ कम ज्यादा तो नहीं? बहुत ज्यादा हो गया बेटी। कैसे पिताजी, सब ठीक से ही तो बना? अरे बेटी स्वादिष्ट है, देखा मैं शादी के नाम पे कितना स्वादिष्ट खाना बनाया। पिताजी, अभी तो मैंने खाना बनाना सीखा है और आप मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। कभी ना कभी तुम्हें शादी करके ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोग यहाँ मुसीबत में हो तो मैं वहाँ इतनी दूर खुश कैसे रह सकती हूँ? पिताजी, बगल का गाँव होता तो चलता, इतनी दूर अमेरिका, ऊपर से वो लड़का, पता नहीं उसकी आदतें कैसी होंगी। तो ये डाउट है तुम्हारा? नाम कृष्ण प्रसाद, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करता है, बहुत अच्छी सैलरी है। लेकिन शादी तो तुम्हें करनी है बेटी, उसे देखने के बाद पसंद आया तो बोल देना, मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। वो सही है या नहीं मैं देख कर ही डिसाइड करूंगी, ठीक है? मुझे विश्वास है वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। दीदी, बड़े पापा जिस लड़के के लिए बोल रहे हैं उसको कैंसिल करने के लिए उसमें बुराइयां ढूंढनी होंगी। हमारे गाँव के लड़कों में ही कितनी बुराइयां होती है, अब अमेरिका से आ रहा है तो उसमें तो अनगिनत बुराइयां जरूर होंगी। होंगी तो सही, लेकिन पता कैसे लगाएंगे? वो सब हमारे सर के अंकल देख लेंगे। क्या पहना दिया मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है। भैया, हवाई जहाज आने में कितनी देर लगेगी? इन कपड़ों में मुझे घुटन हो रही है, मैं बगल में जाकर अपने कपड़े पहनकर आ जाऊं? मार डालूंगा। दूल्हे राजा को रिसीव करके घर पे पहुंचने तक इन्हीं कपड़ों में रहना होगा। पता नहीं ये जहाज भी कब आएगा और मैं इस बंधन से बाहर कब निकलूंगा। Yeah.
दिया जरे बच्चे दिया तार जा रे बहुत कुछ तो कुछ बोलो नहीं मारो वो कहीं है तो वो सॉरी सर स्वच्छ भारत का मतलब गलती करके सॉरी बोलना नहीं है, उस पर अमल करना है, तभी हमारा देश स्वच्छ होगा। ओके श्योर सर। आप रघुपति जी के बेटे महेंद्र है ना? हाँ। और आप? कृष्ण प्रसाद। प्रसाद जी आप? हाँ, मैंने पहले ही कहा था ना प्रसाद जी ऐसे ही आएंगे। हमने सोचा था अमेरिका से आ रहे हैं तो सूट बूट में आएंगे, इस ड्रेस में देखकर तो हम कंफ्यूज हो गए। अरे देख क्या, हाथ मिला। हाँ, स्वागत है भैया। आपको मेरा नमस्कार। आप सब लोग सूट पहन के क्यों आए? सोचा आपको अच्छा लगेगा इसीलिए पहन कर आ गए। पहनने में आपको और देखने में मुझे अजीब लग रहा है। प्रसाद जी आप फिक्र मत कीजिए, रास्ते में बदल लेंगे। ओके गाड़ी निकल। हाँ ठीक है भैया। लड़का तो बहुत कमाल का है, हम बेकार में सूट बूट में आए, कितना अच्छा कपड़ा पहन कर आया। ठीक है चलो। ठीक है भैया। रास्ते में कोई होटल आए तो रुक देना, कपड़े बदल रहे हैं। अच्छा भैया चलो चलो उस कार को फॉलो करो। रघुपति के बेटे और दामाद को? नहीं भाई, गाड़ी में वो नहीं उनके आदमी थे। फिर वो कहां गायब हो गए? भैया ड्राइवर ने फोन नहीं उठाया। नहीं उठाएगा मतलब? वीर पिता ये तभी हम लोग ट्रेन से सफर कर रहे हैं। सुनके चुटा। अरे साहब आप क्यों उठा रहे हैं? मैं हूं ना उठाने के लिए। कोई बात नहीं मैं उठा लूं। आपका हाथ दर्द करने लगेगा। ऐसी बात है? मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है तो मुझे गोदी में उठा लो। अरे वो कैसे कर सकता हूं मैं? इसीलिए कहते हैं कि अपना काम खुद करना चाहिए। वैसे तो सामान उठाना चाहता है ना तो रुक। अरे सुनिए बाबा जी रुकिए, लाइए बेटा उठाए। अब तो खुश है ना? चलो This movie download from HD Hub for you. लड़का बहुत स्मार्ट है ना? स्मार्ट होना काफी नहीं है, क्वालिटीज भी जरूरी है। और क्या चाहिए? अपना काम करने का उसमें डिसिप्लिन है। एक अच्छे फैमिली की खूबियां नजर आ रही है इसमें। अपने से बड़ों का कितना सम्मान करता है, मुझे तो लगता है उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, सर्किट अंकल करेंगे। इसीलिए तो सर्किट अंकल को यहाँ बुलाया है। ट्रेन तो चल पड़ी, सर्किट अंकल कहाँ है? सुनिए जी आइए आइए जल्दी आइए, ट्रेन चल रही है, जल्दी आइए वरना ट्रेन निकल जाएगी। अरे हाथ पकड़ो। अच्छा हाथ पकड़ो। थैंक यू। मेरे पति को नीचे ले गए आपका पति? मेरी वजह से आपने अपने पति को छोड़ दिया? तुम्हारी? अरे चाहे कुछ भी हो आपका पति तो है, अगले स्टेशन में उतर जाना और फिर दोनों मिलकर वापस आ जाना। थैंक यू। टाइम मेंटेन करने वाला ठीक टाइम पर पहुंच ही जाता है। वो कहा है? वो जो धोती में बैठा है वही है। ओहो ईश्वर में अनिल कपूर जैसा है, उसके अंदर जो अपरिचित है उस विक्रम को बाहर निकालूंगा। तुम अपना कैमरा ऑन कर लो। मैं रिकॉर्डिंग घर वालों को दिखाकर शादी कैंसिल करवा दूंगी। देखो मेरा कमाल। साथ में गांव चल रहे हैं क्या? हाँ गांव ही आ रहा हूँ, बहुत काम करना है मुझे गांव में। ये सर्किट मामा है, बहुत बड़े हैं फिल्म मेकर, मुंबई में रहते हैं। आइए भाई आइए, ये ऑफर फिर नहीं मिलेगा, एक के साथ चार फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री। हेलो आई एम सर्किट सरकोजी द फेमस हैट फिल्म मेकर। नमस्कार कृष्ण प्रसाद। हमारी श्रुति को देखने के लिए अमेरिका से आया ये लड़का, कितनी शुद्ध हिंदी बोल रहा है। और तुम यही पले बड़े इंग्लिश में बात कर रहे हो तुम, अगर यही हाल रहा तो हमारा देश कब सुधरेगा? तू जब तक जिंदा है ना देश की तरक्की नहीं होगी। चुपचाप केला खा के सो जा, खा ले खा ले। डू यू स्मोक?
कोई बात नहीं, अरे एक तो पी लीजिए। अगर मैं पीना शुरू करूंगा तो एक से रुकूंगा नहीं। यू अमेरिका बॉय, कमाल, ले लो ले लो। अरे जलाओ जलाओ। अरे ये क्या किया तुमने, सिगरेट का पैकेट बाहर फेंक दिया, 50 रुपए वेस्ट कर दिए। अच्छा सबक सिखाया इसने। अरे बुढ़ाऊ, आपके जीवन का आधा घंटा पड़ गया। ओहो थैंक यू। अच्छा तो वैसे आप बहुत हैंडसम हैं, अमेरिका में आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अरे शर्माइए मत, शर्मा रहे इसका मतलब पक्की होगी। शर्माइए मत, इस बूढ़े को छोड़कर यहाँ सब जवान है, बताइए। 2, 4 या 5 है? 2 है। दो है, एक मेरा काम और दूसरी मेरे जीवन में आने वाली लड़की। देखो कैसी लड़की पसंद है आपको? बस ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, शादी के पहले वो अपने घर को संभाले और शादी के बाद मुझे और मेरे बच्चों को प्यार से संभाले। आपके अंदर क्या खूबियां है? मैंने अपनी पहली सैलरी अपनी माँ को दी थी, अब शादी के बाद पहला प्यार अपनी बीवी के साथ बांटना चाहूंगा। क्या बात करी बेटा। अगर हम राम नहीं बनेंगे तो हमें सीता कहाँ से मिलेगी? अरे वाह क्या बात करी उसने, हमसे ज्यादा ही दिमाग वाला लगता है। जो भी हो, इस सर्किट संकोची के सामने इसके दाल गलने वाली नहीं। एक और पैतरा ट्राई करता हूँ, माइकल जैक्सन बीट से इसका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। म्यूजिक से टाइम पास करते हैं। लो क्या बजा रहे हो? मारियाना, पिटबुल, एकॉन, जेलो, जस्टिन बीबर, ये सब पॉप सिंगर्स हैं। तुम सब गानों से पक्कर यहाँ पर हिंदी गाने सुनने के लिए आया हूँ मैं, और तुम वही गाने फिर से लगा रहे हो। हिंदी गाने सुनने आया हूँ? हिंदी गानों में ऐसी कौन सी मिठास भरी है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तुम्हें कुछ सुना दो बेटा। ए रोको रोको रोको, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। ये कैसे हो? कोई से मार के चला गया बाबूजी। चलो उठा 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 सर 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 सर, रोड पे पड़ी हुई बॉडी को ऐसे गाड़ी में नहीं लेके जा सकते सर, पूरी सीट खराब हो जाएगी सर, खून लग जाएगा। इसे बचाना है तो इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। ये लो, इसे गाड़ी साफ करवा लेना, नई सीट्स पे लगवा लेना, हो सके तो थोड़ी इंसानियत सीख लेना, जाओ उसे बचाओ। जी भैया, तुम लोग भी साथ में जाओ और इस लड़के का पूरा ख्याल रखना। ठीक है भैया, चलिए हम चलते हैं। श्रुति, लगता है ये मानवता का नया रूप है, तुम्हें अमेरिका जाना ही पड़ेगा। मुंबई में मेरे लिए एड वाले इंतजार कर रहे हो। मैं जितना मांगा था उससे 50 और देती हूँ। अच्छा फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम चलाओ सो एक्स्ट्रा दूंगा। नमस्ते। ये सब क्या है, ये खून कैसा? पिताजी बात ये है कि क्यों जी? हाँ? बाहर खड़े खड़े ही सब पूछ लेंगे क्या, पहले इन्हें अंदर तो आने दीजिए। प्रसाद जी, ये मेरे पिताजी हैं। नमस्ते। और ये मेरी माँ है। नमस्ते, नमस्ते बेटा। आओ बेटा, अंदर अंदर। नमस्ते जी, आइए। नमस्ते नमस्ते। ये क्या हुआ? आई मस्ते। अरे ये खून कैसा? इधर हाँ एक बंदा। अब बताओ क्या हुआ? थक गई हूँ। इतना लंबा सफर करके आए हो, थोड़ा आराम कर लो बेटा। ऐसा कुछ नहीं है, मुहूर्त निकला जा रहा है, अगर लड़की को दिखा देते तो। इस वक्त लड़की दिखेगा? हमारा होने वाला दामाद टाइम का बहुत पाबंद है। आप बैठो, मैं अभी बेटी को लेकर आती हूँ। ओके बैठो बेटा। बाजू हटो, बाजू हटो। सर के बस तुम्हारी ही कमी थी। नमस्ते जीजा जी। आओ सकते हैं, सही वक्त पे आ। लेट कैसे हो सकता हूँ? तुम रुक जाओ, ट्रे मुझे दो और बैग लेके जाओ। अश्विनी को देखने आए, मैं संभाल लूंगा। बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, कोक, फ्रेंच फ्राइज, इनमें से तुम्हें क्या पसंद है बेटा? मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे पूरी भाजी, नमकीन, समोसे, बेसन के लड्डू, पानीपुरी, ये सब चाहिए।
तुम औरंगाबाद से आए अमेरिका से? अरे सर्किट चल, ये पागलों की तरह बात करता है। सर्किट बिटिया तुम आओ मेरे साथ, कुछ काम है। बेटा हमारी बेटी श्रुति, मैं जानता हूं, ट्रेन में देखा था। बुद्धिमानी में तो 100 नंबर ले गई जी। वो क्या है कि ट्रेन में आते वक्त एक भोली भाली सी प्यारी सी लड़की बैठी थी, आपकी बेटी को देखकर मुझे उसकी याद आ गई। खूब कहा बेटा, हमारी बेटी भी किसी से कम सुंदर थोड़ी ही है। ये जबरदस्त उसके पल्ले बांध रहे हैं, उसको पसंद आना चाहिए। सर्किट, मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे तौर तरीके हम सबको बहुत पसंद आए। अगर तुम्हें हमारी बेटी पसंद ना हो क्या तो? कह रहे हैं आपके इस परिवार का दामाद बनना मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात है। अच्छा लगा, बहुत खुशी भी। पंडित जी परसों गुरुवार है, सुबह 8:01 पे बहुत बढ़िया मुहूर्त है, उसी दिन विवाह करेंगी तो दोनों के लिए शुभ होगा। 2 दिन में शादी, तुझे तो खुश होना चाहिए। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तो बेटा 2 दिन में शादी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन माँ और पिताजी से भी पूछना होगा। इसके तो माँ बाप नहीं है फिर? माँ, मैं इस लड़के से शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें मंजूर है ना? ओके पिताजी, आपको भी ओके ना? हाथ हटाइए, अभी ओके कहेंगे और 1 घंटे बाद कहेंगे इतनी जल्दी क्या है शादी करने की, अभी बता दो। तुम दोनों को मंजूर है ना? माँ और पिताजी दोनों को ये रिश्ता मंजूर है। पागल पागल है, इसी को सोशल फिजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। क्यों जीता जी, सोने जैसी लड़की की शादी पागल से करवा रहे हैं आप? सर्किट क्या बकवास कर रहे हो, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है जी। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन कोई भी अच्छा काम करने से पहले मैं उन दोनों को याद करता हूँ और मन में सोचता हूँ कि वो दोनों साथ में हैं, और हमेशा उनकी राय भी पूछ लेता हूँ। हो सकता है कि वो मेरे साथ ना हो, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है, यही मेरा भरोसा है। इसकी वजह से आपको परेशानी हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? आजकल तो बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हुए भी उनका कहना नहीं मानते, मगर तुम उनके जाने के बाद भी उनको इतना मान देते हो। तुम हमारे दामाद बनोगे, ये हमारे लिए खुशी की बात है। क्यों, ठीक कहा ना? कहना था, मुझे पता नहीं था कि ये इतने बड़े टैलेंट लवर हैं। अब पता चल गया ना, सॉरी बोलो। सॉरी बोलने को रहा तो बोल दिया। नहीं नहीं मुझे बुरा नहीं लगा। तो अच्छा, लेकिन वो क्या है कि आपने मुझे पागल बोला तो मेरे माँ और पिताजी को बुरा लगा, तो उनको सॉरी बोल दीजिए। जो दिखते नहीं है उन्हें सॉरी कैसे बोलूं मैं? दिखते नहीं है फिर भी आप सॉरी बोलेंगे तो वो सुन लेंगे, रिसीव कर लेंगे। रिसीव करेंगे वो? माँ जी कहाँ है? माँ जी सॉरी, पिताजी पिताजी सॉरी, अब कुछ शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, शादी की तैयारियां धूमधाम से कीजिए, जाओ सब लोग काम पे लग जाओ। अमेरिका से आया लड़का, शादी तय हो गई है, 2 दिन में शादी कर देंगे। लड़की देखने से पहले ही उस लड़के को उड़ा देते तो दूसरा कोई उसे देखने नहीं आता, यही हमने सोचा था। शादी होते ही वो लड़की को लेकर अमेरिका चला जाएगा। रघुपति के घर में मातम के सिवा कोई शुभ कार्य नहीं होना चाहिए, वो शादी रोकनी होगी। हम क्या करें और कैसे करें, उसके घर में तो शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। क्या बोला, क्या बोला तू? यही के जोर शोर से चल रही है। मतलब मेरा गांव में लग जाए तो शादी नहीं हो पाएगी ना? हाँ ये हो सकता। संत धारा देवी मां के मंदिर में गांव में मेला होगा, ये खबर फैला दो। मेला तो अगले महीने लगने वाला था, पिछले साल हमने ऐसा ही किया था ना, आप बोलते क्यों नहीं? यही आप धर्मकर्ता वीर प्रताप जी है ना साहब, उन्होंने हमसे एक बात तक भी नहीं कही और देवी माँ के मंदिर में धागा बांध दिया। ऐसे में हम क्यों, अपनी बहन की शादी रोके, बताइए आप लोग। अगर उसने मन्नत मांग ली है तो हम मेले को नहीं रोक सकते, यही हमारे गाँव का रिवाज है।
यही नहीं बेटा, मेला खत्म होने तक गांव में कोई शुभ कार्य नहीं होना चाहिए। आप 3 हफ्ते के बाद मुहूर्त रख सकते हैं जी। शादी की तारीख आगे करने के लिए मैं तो तैयार हूँ, लेकिन दामाद जी क्या सोचेंगे? मैं अब आपके घर का सदस्य बन गया हूँ, मतलब इस गांव का भी बन गया। अपने गांव के रीति रिवाजों को अपनाना ही होगा। वैसे भी मैंने मेला तब देखा था जब मैं बहुत छोटा था, अब देखना चाहता हूँ। मैं इंतजार कर लूंगा। सुन के खुशी हुई। तीन हफ्ते मिल गए हमें। इस कैट में बहुत कुछ कर सकते हैं। उसे इसीलिए हम गलत भी साबित कर सकते हैं या फिर खुद साबित हो जाएगा कि वो गलत है। दोनों एक ही हुआ ना। लेकिन उसे अकेले ही अमेरिका जाना होगा। ऐसा हुआ ना तो देवी माँ को 100 नारियल चढ़ाओ। तुम जो भी करो, लेकिन पहले मेरे मुँह पे पैसा मारो। ये लो, मार दो मुझे। कैश है, GST भरने की जरूरत नहीं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतया मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। इस साल के मेले में एक खास बात है, देवी माँ को उनकी बलि चढ़ाएंगे। जाओ अपने काम पे लग जाओ। राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वीर प्रताप की शादी किसी भी तरह रोकना चाहता है। दामाद जी का ध्यान रखना, जो भी हो दामाद जी को पता नहीं चलना चाहिए। इनके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए लेते हैं। तुम लोग कटआउट के साथ सेल्फी लो, मैं तो डायरेक्ट फोटो खिंचाऊंगा। हेलो, इधर आओ। क्या है? वहाँ मेरे पिताजी हैं। ये तुम्हारे पिताजी हैं? ओवर एक्टिंग मत कर, इधर आ जा। अगर सेल्फी अच्छी आई ना, एक और सेल्फी ले। श्रुति, लड़कियों की सुंदरता कैसे बढ़ती है पता है? मेकअप से और कैसे बढ़ती है? ऐसा कुछ नहीं है, आप बताइए ना जीजू। माथे पे सिंदूर और हाथ में चूड़ियाँ। मुझे तो चूड़ियाँ बहुत पसंद है। अच्छा, तो फिर तो ही पहन ले। भैया जरा अच्छी चूड़ियाँ दिखाना। ये लीजिए बाबू, मुझे पसंद नहीं है। ए श्रुति, पहन लो ना, जीजू का दिल खुश हो जाएगा। तुम उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो? श्रुति, तुम्हारे भैया तुम्हें बहुत चाहते हैं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूं इसलिए वो मेरा ख्याल रख रहे हैं। सारे खुदा एक तरफ, जोरों का भाई एक तरफ। ठीक है दीजिए। खरीदारी होगी? अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है। चलिए चलते हैं। जीजू, आइसक्रीम खिलाइए ना। तुम भी खाओगी? अरे सुन, तो आइसक्रीम खाएगा या दिमाग? या अमेरिका वाले के लिए शौक हो सकता है, मेरे लिए कचरा है। तुम खाओ। भैया 3 आइसक्रीम देना। मेरा निशाना चूक गया और तेरा? मेरा निशाना उसी पे है। ठीक है, तो तुम संभालो। अच्छा है ना, एक और जी, खाने का वक्त हो गया है, घर में सब वेट कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं। आइए, हाँ चलो। I'm ready. मिस हो गया वो। उस जोकर की वजह से हमारा प्लान फेल हो गया। इस बार भगवान ने उसे बचा लिया, अगली बार मैं खुद उसे भगवान के पास भेज दूंगा। मेले में मजा आया बेटा? बहुत मजा आया। चलो खाना खा ले। आओ बेटा, फ्रेश हो जाओ। पिताजी। हाँ, जरा सुनिए। क्या बेटा?
यहाँ कोई बाहर के आदमी आए थे क्या? पता करो, जाओ। ओके सर। नारियल के बगीचे में पहला, केमिस्ट्री लैब में दूसरा, पब में तीसरा, मतलब मैं चौथा हूँ। ओह वेरी गुड, गणित बहुत अच्छी है तुम्हारी। अब यहाँ पर आकर इसकी इज्जत और मेरी कमाई पर लात मत मारो। चुपचाप अपना बैग उठाओ और अमेरिका चले जाओ। जाओ प्रसाद, तुम जल्दी में आपकी फ्लाइट टिकट बुक करके वापस अमेरिका मत चले जाना। डरो मत। अमेरिका में मेरे घर का नंबर 4, मेरी गाड़ी का नंबर 4, मैं पैदा भी हुआ था 4 को। ये कैसा चमत्कार है कि इसकी लाइफ में भी मेरा नंबर 4 है। जवानी में अनजाने में ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती है, उसके लिए तुम इसे ब्लैकमेल करोगे? इसी बात से तो पता चलता है कि तुम्हारे असली दोस्त कौन है और असली दुश्मन कौन है। मेरे कहने का मतलब है, इतने दिनों से ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, तुमसे पैसे बैठ रहा है। तुम्हारा ये सर्किट बम, इसने जो भी किया है गलत किया है। अगर ये अमेरिका में होता तो इसे 600 साल की सजा हो जाती, लेकिन आज के बाद ये तुम्हें कभी ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। इसकी सारी बातचीत मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया। इसे अभी तुम्हारे पिताजी को, चाचा को, पूरे परिवार को होम थिएटर में दिखाता हूँ। होम थिएटर में? बेस्ट सिनेमा हॉल में दिखाऊं क्या? सारे गांव वाले आके देखेंगे। भाई मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ भाई, मुझे माफ कर दे भाई, मुझे नहीं पता था कि तेरा लकी नंबर 4 है मेरे भाई। ऐसी भोली भाली भतीजियों को सताने वाले तुम जैसे कंस मामाओं के लिए एक सबक होगा। अरे बाप रे, आप मुझे मरवाओगे क्या? वही तो चाहता हूँ मैं। जरा देखो तो कितना मासूम और प्यारा चेहरा है, तुम्हारे पैरों पर गिर के गिड़गिड़ा रही थी। मैंने कहा था रोने के लिए, मैंने कहा था ओवर एक्टिंग कर रहे थे भैया। प्रसाद, यू आर अ ट्रू जेंटलमैन, लेकिन ये बात घर वाले जानेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। इन्हें जाने दो, इनके पाप का फल ये खुद भुगतेंगे। प्लीज। ठीक है, बेहतर इसी में है कि ये वीडियो मेरे ही पास है। चुप। और तुम? चुप बैठूंगा मैं। गुड बॉय। थैंक यू भाई। बाप रे, तू कपड़े पैक कर ले, तेरा अमेरिका जाना पक्का। और सर, होल्ड हिम, ही वोंट लीव यू। हेलो, मैं सिटी कमिश्नर बोल रहा हूँ सर। बोलिए। परसों मेले में छानबीन करते वक्त हमें एक बुलेट मिली है सर। वो बुलेट हाई प्रिसिशन राइफल से शूट की गई है सर। उसकी एक्यूरेसी रेंज 900 टू 1200 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी से किसी को भी टारगेट बना सकते हैं। ये किसी प्रोफेशनल किलर का काम हो सकता है सर, क्योंकि ऐसी राइफल का इस्तेमाल करने के बारे में गाँव वाले सोच भी नहीं सकते, यहाँ तक कि स्टेट वाले भी नहीं। अगर मेरा शक सही है तो खूनी बाहर का होना चाहिए। मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या अलर्ट रहने के लिए वार्निंग दे रहे हैं आप? एक्चुअली सर, किसी भी स्पॉट पे उसने, मतलब खूनी ने कोई भी सबूत छोड़ा नहीं है, बहुत चला के सर। वो खूनी नहीं मिलेंगे, हमें खुद प्लान करके उन्हें पकड़ना होगा। आप इस केस को जल्दी सुलझाइए, वरना मुझे मजबूर होकर ऊपर बात करनी पड़ेगी। ओके सर।
सर कौन चाहिए बे? सर से मिलना है। कौन सा सर चाहिए? उनका नाम तो नहीं मालूम, पर देखूंगा तो पहचान लूंगा, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। तो ठीक से बता कौन से सर चाहिए। वो वहाँ जो फोन पर बात कर रहे हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सर 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 रुक, कहाँ जा रहे हो? उसे छोड़ो मत, पकड़ लो, भागने दे पाए, पकड़ो उसे। किसे भेजा तुझे? क्यों आया यहाँ? बोल तुझे, बता, बोल क्यों आया? बता किसे भेजा? बोल, बोल, रुक जाओ, छोड़ो, बोल वरना मार दूँगा। छोड़ो, छोड़ो इसे। आप जानते हैं इसे? कौन है? मेरा नाम सुरेश है, आईआईटी पवई में रिसर्च स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर क्यों आए हो? एक्सीडेंट हो गया था रोड पर, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, तब इन सर ने मुझे बचाया। हाँ भैया, दामाद जी ने इसी लड़के को बचाया था। इनका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा सर, इसलिए मैं जो थीसिस लिखने जा रहा हूँ वो मैं सर के नाम पर रखना चाहता हूँ। बस उनका नाम जानने के लिए यहाँ आया था और कुछ नहीं। कुछ देर और मारते तो इस बच्चे की जान निकल जाती। जान की कोई कीमत नहीं है आपको? एक जान अब्दुल कलाम, देश का गौरव। एक जान महात्मा गांधी, मन का विश्वास। एक जान मदर टेरेसा, माँ की ममता। ये सब क्यों? रोज हमें सही सलामत घर लाने वाले ड्राइवर की भी जान है। इतनी कीमती जान की कोई कीमत नहीं। हमसे गलती हो गई दामाद जी, आई एम सो सॉरी। ये लड़का साइंटिस्ट है, सब लोग सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी मेरे भाई। ए, इस साइंटिस्ट को कार में बिठा के घर छोड़ दो। एक मिनट बेटा, तुम अपने थीसिस को मेरे दामाद का नाम देना चाहते हो? हाँ सर। मेरे दामाद का नाम कृष्ण प्रसाद है। थैंक यू सर। और अगर चाहो तो हमारे गांव में हमारे लैब में ही काम कर सकते हो। ठीक है सर। थैंक्स पिताजी। इसकी ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है। ओवर एक्टिंग नहीं, सबको ओवरटेक करके जा रहा है ये। कल हमारे खेत में उससे अच्छा सा सबक सिखाती हूँ। क्या करोगे तू? कल देख लेना। ये गिरा दिया। ये बोलेगा? ये क्या कर रही है? ये वाइन है, ये जीन है, ये रम है। अब इससे क्या होगा? इसमें से कोई एक भी पीने से आदमी बाहर आके डांस करने लगेगा, और इसका कॉकटेल पीने से तुम्हारे उसके हालत खस्ता हो जाएगी। आज के बाद वो नारियल पानी तो क्या पानी पीने से भी डरेगा। अब ये किसलिए? अमरूद के पत्ते, स्मेल ना आए इसलिए। अंकल आप तो कमाल। मैं हमेशा ही कमाल का हूँ, तुम इनमें से कोई ट्राई करो। नहीं, हमारे नारियल के खेत तुम्हें पसंद आए? क्या खासियत है इसकी? बचपन में ही सारे नारियल के पेड़ मैंने ही डाले थे। सच में? फिर तो यहाँ का नारियल पानी पीना ही पड़ेगा। तुम पियोगे, बकोगे और गांव छोड़कर भागोगे। आइए ना सर के अंकल, सब रेडी है। मेरा मतलब है नारियल पानी का ड्रिंक रेडी है, अभी पीने दो उसको। ये लीजिए, पी के देखिए। कैमरे की जरूरत नहीं है, लाइट पकड़ा जाएगा। ये गाँव में एंजॉय कर रहे हो? क्यों प्रसाद जी, हमारे खेत पसंद है। आपकी बहन ने बताया सारे पेड़ उसने लगाए। अरे आप तो बहुत थके हुए लग रहे, लीजिए नारियल पानी पीजिए। पीजिए ना। नहीं दामाद जी, हम तो पीते रहते हैं, आप पीजिए। यानी मेरा दिया हुआ नारियल पानी नहीं पिएंगे? अरे इतनी बड़ी बात कह दी, दो। चाचा आपने पीना प्लीज। ओहो हो श्रुति, अब समझ गया, दामाद जी के हाथ से तुम ही पीना चाहती हो। ठीक है तो तुम ही पियो, पियो, पियो ना बेटी। अभी से इनका इतना ख्याल रख रही हो, शादी के बाद तो हमें भूल ही जाओ। सोच क्या रही हो? पियो ना, जमाओ मत, पियो, पियो ना। गर्मी से राहत मिलेगी, पी लो, पियो पियो। जब बोल रहे हैं सर तो मुंह से लगा कर पी ले। नारियल पानी लाजवाब है, पियो। आपके लिए एक और छिलवाऊं क्या दामाद जी? नहीं नहीं, ये काफी है। प्रसाद जी, हमारी सेवा में कोई कमी तो नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। अगर कोई गलती हो जाए तो बता दे। बिल्कुल नहीं। ए, मिस्टर अमेरिका, तुम चाहे इन्हें कुछ भी बता दो, लेकिन उस वीडियो के बारे में मत बताना। कौन सा वीडियो? सर के अंकल मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, तब तुमने रिकॉर्ड किया था ना, वो वीडियो दिखाओ। आप देखिए ना, क्या है दिखाओ। के बाद ये क्या है? कुछ नहीं, दादी इसको चढ़ गई है इसलिए भाग रही है।
ब्लैकमेल करता है, ऊपर से कहता है कि मेरी बहन ने शराब भी रखी है। बंदर, ऐसे क्यों भले आदमी को मार रहा है? और क्या करूं, ऐसे मारना चाहेंगे। अरे बापरे, अरे इनके हाथ लग गया, ले मेरा कचूर बना देंगे। अरे बापरे, मत मारो, अरे कितना मारोगे। अरे अरे मेरी क्या गलती है, अरे मैंने क्या किया। अरे बापरे, अरे अरे ज्यादा मत मारो, मर जाएगा। शादी मैं खुद करवाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, शादी होके रहेगी। दीदी तुम जानते नहीं हो क्या कर रही हो, अब तुम्हारी शादी कोई भी नहीं रोक सकता। मैं देख लूंगा। मुझे ये शादी पसंद नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें गलत साबित करके ये शादी कैंसिल करने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन अच्छा बनना, अच्छी आदतें होना काफी नहीं है, दूसरों के दिलों को भी समझना चाहिए। मेरी नजर में तो तुम बहुत ही स्वार्थी हो। तुम्हारे माँ बाप कोई नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप के साथ बहुत बड़ा परिवार है। मैं इन सबको छोड़कर अमेरिका में कैसे खुश रह पाऊंगी? अगर तुम माँ पिताजी की कीमत जानते हो तो कल सुबह होने से पहले सब समेट कर यहाँ से चले जाओ। गुड बाय। दीदी उठो, उठो ना। शादी के लिए साड़ियाँ खरीदनी है, सब शहर जाने के लिए तैयार हो गए, बस तेरा ही इंतजार। नहीं नहीं, मुझे सोना है। कल रात सपने में जीजू आए थे क्या? हाँ, सपने में। अब तक सूटकेस पैक करके भाग क्या होगा। चलो देखते हैं। रामू, एक ब्लैक कॉफी और मुझे व्हाइट मिल्क। हाँ, सर्फ डाल देना, ज्यादा सफेद हो जाएगा। ए, तुम अब तक तैयार नहीं हुई, तुम्हारी शादी के लिए साड़ियाँ खरीदनी है, जाओ तैयार हो जाओ। शादी होगी ही नहीं और उसके लिए साड़ियाँ। बेकार बैठे हुए आदमी के लिए दूध किस लिए? दूध कैंसिल करना जितना आसान नहीं है शादी कैंसिल करना। तेरी शादी करवा के जाऊंगा। पहले ये बताओ दूल्हा कहाँ है? अरे कहीं भाग तो नहीं गया वो? ले जाके काट लेंगे। मां जी, कौन सी साड़ी पहनी है? अभी तक सही नहीं है दीदी, तेरा काम बन गया। जीजू कहीं पर भी नहीं है, शादी कैंसिल। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये कहीं नहीं जाएगा। टाइम देखिए, 9 बज रहे हैं, अब तक हमें निकल जाना चाहिए। बस थोड़ी देर बेटा, निकलने की तैयारी हो रही है। जरा सोचिए ना, शादी की साड़ियाँ लेनी है, आप 6 औरतें हैं, 6×5=30, कम से कम 30 साड़ियाँ लेनी पड़ेंगी। एक साड़ी को पसंद करने में 15 मिनट लगा लो तो 30 साड़ियों को पसंद करने में 8 घंटे लगेंगे। और बीच में खाने के लिए 1 घंटा। खाना भी दुकान में मंगा लेंगे, वरना 1 घंटा और वेस्ट हो जाएगा। और उस 1 घंटे में साड़ियाँ पसंद भी कर लेंगे, और पसंद ना आए तो बदल भी लेंगे। और मानो अगर वहाँ की साड़ियाँ पसंद नहीं आई तो किसी और दुकान में चले जाएंगे। मन पसंद साड़ियाँ मिलने तक हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भाई घर की शादी का मामला है, टाइम तो लगेगा ही। साड़ियों की दुकान है, कोई मजाक है क्या? सही कहा ना मैंने? और तो फिर चलिए जल्दी। बड़ी भाग्यशाली है, मैंने आज तक तेरे जैसे भाग्यशाली लड़की नहीं देखी है। नहीं तो हमारे पति को शेक कर ही नहीं देते। ये कोई स्कूल है या मंदिर? कपड़ों की दुकान है, कपड़ों की दुकान, ले जाइए। इतना गुस्सा आ रहा है ना कि इतना समझाने के बाद भी तुम गए नहीं। वापस जाने का सोचा था, बैग भी पैक कर लिया था। मेरे पिताजी ने भी कहा 1 मिनट यहाँ मत रुकना, लेकिन जब चार्जर बैग में रखने जा रहा था तब मेरी माँ ने एक बात कही। एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, सब तय होने के बाद अगर तू घर से चला जाएगा तो उसके पिताजी की इज्जत का क्या होगा? उस लड़की से कोई शादी करने आएगा? उसकी छोटी बहन की शादी भी होगी या नहीं, उसके बारे में भी सोचा, ऐसा माँ ने कहा। हाँ, ना इसीलिए रुक गया मैं। शादी करके बच्चे पैदा हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जब माँ ने ऐसा कहा, मैंने बैग से चार्जर निकाला और प्लग में लगा दिया, और शॉपिंग के लिए रेडी हो गई। तो मैं चलूं? बेटा जब जा ही रहे हैं तो गहने भी खरीद लेंगे। ठीक है माँ जी, वो भी उसी शॉप में मिलते हैं। बेटा महेंद्र की गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। कौन है ये लोग? ये सारे वीर प्रताप के आदमी हैं। ये हमें जान से मार डालेंगे। हाँ बोल। औरतें दामाद सब एक साथ मिल रहे हैं साहब जी। शाबाश,
इतना मारो कि पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर भी काम उठे। यहाँ इन्हें मैं खत्म कर दूंगा। आप तो जी भर के खुशियाँ मनाइए। वो हमें मारना क्यों चाहते हैं? वीर प्रताप के पिताजी पहले हमारे साथ ही काम किया करते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अलग हो गए। उसके बाद वीर प्रताप के परिवार के सब लोग एक्सीडेंट में मारे गए। उसे लगता है वो एक्सीडेंट हमने करवाया और दुश्मनी बढ़ा ली। तब से वो हमारे परिवार को खत्म करना चाहता है। तो समझ गए ना, तुम समझ गए ना कि हम किस हालात में जी रहे हैं? भाग जाओ यहाँ से, हमें तो अब मरना ही है। सबको मार दिया क्या? मैं उनका दामाद ही बोल रहा हूँ, क्योंकि शौक हो गया क्या? पता है हर गांव में तुझ जैसा एक नीच होता ही है, लेकिन मुझ जैसा कोई आएगा ये तूने सोचा भी नहीं होगा। बदल जाओगे तो बचोगे, भूल जाओगे तो जिंदा रहोगे, अकड़ दिखाओगे तो मारे जाओगे। हे अमेरिकन, मेरे गांव में आके मुझे ही धमकी दे रहा है। अमेरिका से आया हूं तो गले में टाई बांध के एसी रूम में बैठ के कंप्यूटर गेम खेलूंगा, ऐसा सोचा क्या? बस एक बार सिस्टम डाउन करके अगर मैंने गेम खेलना शुरू किया ना, तो तू अपनी जिंदगी का गेम भूल जाएगा। अबे प्लास्टिक बोतल में पानी पीने वाले, जब तुझे इतना घमंड है, मैंने तो गंगा घाट का पानी पिया है, तो मुझे कितना घमंड होना चाहिए? तूने तो सिर्फ गंगा का पानी पिया है, लेकिन मैंने गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा, नर्मदा, स्वर्णमुखी, पूरे 126 नदियों का पानी पिया है। इन सारी नदियों में बाढ़ आकर अगर वो तुझ पर टूट पड़ी तो तेरा क्या हश्र होगा, सोच ले। ध्यान से मेरी बात सुन, हम कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब मैं तुम्हें SMS कर दूंगा। प्लान करोगे या स्केच करोगे ये तुम्हारी मर्जी, बस एक बात याद रखना, ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं। हमारे घर के आदमियों पर हाथ डालना तो दूर की बात है,
हमारे घर की औरतों का बाल भी बांका नहीं कर सकता तू। प्रसाद, कृष्ण प्रसाद, केयर ऑफ रघुपति एंड फैमिली। कहते हैं भला करने से पुण्य मिलता है, जरूर हमारे परिवार ने पुण्य किए होंगे, तभी तुम हमसे जुड़े हो। आओ बेटा। सारी तैयारियां ठीक से करना चाचू। जाओ। श्रुति प्रसाद जी से कुछ बात करना चाहती है तो कर लेने दो। यहाँ नहीं चाचू, इस शादी के हंगामे में इतने लोगों के बीच में कैसे बात करेंगे लोग। तो छोड़ दो ना, श्रुति अकेले में बात करना चाहती है। बाहर जाना चाहते हो यही ना? हाँ बिल्कुल। सुनो भैया ही मानेंगे, पता चलेगा तब ना, बिना बताए जाए तो मार डालेंगे। आजकल हालात ठीक नहीं है, मेरा कहना मानो, भूल जाओ। चाचू प्लीज चाचू, आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। तुमने दामाद जी से पूछा? वो मैं संभाल लूंगा चाचू, दोनों को अपने साथ लेके जाऊंगा और वापस लेके आऊंगा। ठीक है? ठीक है, जाओ लेकिन जल्दी आ जाना, आधे घंटे में तुम्हें यहाँ होना चाहिए। थैंक्स चाचू। श्रुति जरा सुनो, प्रसाद जी से उल्टी सीधी बातें करके उन्हें कंफ्यूज मत करना, समझ गई ना? जाओ। This movie download from HD Hub for you. अब कौन सा टेस्ट लेना चाहती हो? सॉरी। सॉरी क्यों? अभी मुझे ये शादी पसंद नहीं है, फिर भी कर रही हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? ये बात नहीं है, आप बहुत ही भले इंसान हैं। आपके अंदर बहुत ही सहन शक्ति है, आपकी पत्नी बनना मेरी खुशकिस्मती होगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन शादी करके अमेरिका चले जाना ये मुझे पसंद नहीं है, और मैं आपको छोड़ भी नहीं सकती। आज हम सब लोग जिंदा हैं तो सिर्फ आप ही की वजह से। मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, आप मना तो नहीं करेंगे ना? आप अमेरिका में सेटल्ड हैं, लेकिन मेरे परिवार के लिए वो सब छोड़कर अगर यहाँ रहेंगे तो हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मना मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। रोना मत, रोना बंद कर, आंसू पोंछो, रोना मत। तुम यही चाहती हो ना कि मैं अमेरिका की जॉब छोड़ के तुमसे शादी करके यही सेटल होकर तुम लोगों का व्यापार खेती बाड़ी देखते हुए तुम लोगों के साथ रहूं, है ना? ऐसे ही करेंगे? सच में? हाँ सच में। तुम दोनों यहाँ हो? हाँ। कब से फोन लगा रहा हूँ? हाँ। महेंद्र कहाँ है?
शादी करके घर बसाऊंगा ऐसा सोचा था क्या? मैं तेरे घर में सबको खत्म करने आया हूं। अब तक मैंने ही मारा था और इसके आगे भी मैं ही मारूंगा। मां सही किया ना मैंने? पिताजी सही किया ना मैंने? मां और पिताजी कह रहे हैं सही किया, मतलब इस संजीव ने सही किया है। बेकार के लोग सब घर में हैं, असली लोग कहाँ हैं? कौन लोग? और कौन? दूल्हा और दुल्हन। जोर से मत बोल, भैया सुन लेंगे। क्या भाग गई मेरी प्यारी भांजी? तेरी शादी होगी तो मुझे कुछ माल मिलेगा ऐसा सोचा था, लेकिन तू तो भाग गई। क्या प्रॉब्लम है? अरे कुछ नहीं जीजा जी, हमारी श्रुति उस लड़के के साथ भाग गई। ये बात नहीं है भैया, श्रुति दामाद जी से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी, महेंद्र उसे लेकर गया है। उन लोगों को आने में देर हो रही थी तो मैंने उन्हें लाने के लिए गजपति को भेज दिया, वो लोग आ जाएंगे। कितनी बार समझाया है घर से बाहर मत जा। हेलो सर, मैं सब इंस्पेक्टर रमेश बोल रहा हूँ। गांव के बाहर कुछ लाशें मिली हैं, आप आकर पहचान कर लीजिए कि उनमें से कोई लाश आपके अपनों की तो नहीं है। बाहर कहीं पर मारकर यहाँ फेंक कर चले गए। भैया श्रुति और दामादी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ढूंढो उन्हें, आस पास के गांव चेक पोस्ट सभी जगह ढूंढो उन्हें। ये तो सीधा घर तक ही पहुंच गया। कहां है मेरी बेटी और दामाद? और कहां छुपाया है? इतना डरपोक नहीं हूं मैं, सामने से वार करता हूं। छुपाने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन कोई है जो बिना क्लू के ही सबको खत्म करता जा रहा है। अब तक तो तेरी बेटी और दामाद को मार डाला होगा। जब तक मैं जिंदा हूं ये नहीं होने दूंगा। जीजू, ये क्या जीजू, शिकार खुद चल के आया था तो छोड़ क्यों दिया? अगर चाहता तो उसका सर काट के घर के दरवाजे पे लटका देता, लेकिन पहली बार मेरे घर पे आया था इसलिए तरस खा के उसे छोड़ दिया। मारेंगे नहीं, दूसरों को मारने नहीं देंगे। यहाँ इन गुंडों को पैसे बांट बांट के मैं थक चुका। क्या बकवास कर? ये तो तुम्हें अच्छे से सुनाई देगा। पता लगा वो कौन है जो तूफान की तरह आके सबको उड़ाता जा रहा है। He overlooked Virat Kohli out. मच्छर को भी हानि नहीं पहुंचाते?
चींटी और मच्छर को छोड़कर बाकी सबको हानि पहुंचाई है तेरे घर वालों ने। मेजर जनरल चंद्रप्रकाश जी को बॉर्डर कैंप से टेररिस्टों ने अगवा कर लिया है। हमें जीपीएस के थ्रू उनकी लोकेशन का पता चल गया है सर। हमें सर को किसी भी हाल में बचाना होगा। इस ऑपरेशन को एक ही आदमी अंजाम दे सकता है। मेजर संजीव, उनके साथ कैप्टन अमित और कैप्टन सत्यवीर को भी भेजना होगा। बॉर्डर पे तुम लोग का बेस कैंप कहाँ है? मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए रूट मैप के साथ। अपनी जान बचाने के लिए अपने देश को बेच दे, इतनी नीच नहीं है इंडियन आर्मी। युद्ध में मरने वाले हमारे हर एक सैनिक की छाती में दुश्मन के बुलेट्स होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों की तरह हमारे सिपाही भागते हुए पीठ नहीं दिखाते हैं। संजीव, नॉर्थ ईस्ट पोजीशन क्लियर। ओके संजीव, ऑन योर राइट। थैंक यू, यू आर वेलकम। अबे भाषण बंद कर, वरना गोली छोड़ा दूंगा, समझा? मार दे, जितनी जल्दी हो सके मुझे मार दे, इसी में तेरी भलाई है। क्योंकि जितना तू लेट करता चाहेगा उतनी मौत तेरे करीब आती जाएगी। मुझे पता था इंडियन आर्मी शार्प है, मगर इतनी शार्प ये नहीं पता था। ये बोला था तुम लोग मौत से नहीं डरते, सच है क्या? सच है, सच है क्या? सच है। टीम में किसी एक को 10 दिन की छुट्टी देना चाहता हूं। संजीव को दीजिए सर, इसे घर गए 3 साल हो गए। सुना है तुम किसी लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुमने अपने प्यार का इजहार उस लड़की से अभी तक नहीं किया। ये कैसे जानते हैं? तुम सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता? तुमने उस लड़की को छोड़ के अपने प्यार के बारे में सबको बताया। अब जब तुम छुट्टी पर जा ही रहे हो तो तुम उस लड़की से जाके आई लव यू बोलोगे और उससे शादी करके लौटोगे। ओके सर, गुड। दूसरी तरफ राख, कोई मुंह नहीं खोलता। ऐसे कहकर परेशान करते, इतनी सिगरेट पीते हो, घर वाले सवाल नहीं पूछते। पूछते हैं पर हम देते नहीं। मारो फिर तुम लोग, वही तो कर रहे हैं, परेशान कर रहा था। भैया की फ्लाइट लैंड हो रही होगी, चुईंगम खा लो।
लैंड तो कब की हो गई, प्लेन वापस भी चला गया। कैसे हो छोटे, सब ठीक? मैं ठीक हूँ भैया। सिगरेट का स्मेल क्यों आ रहा है? सुबह पापा कार लेके पेंशन ऑफिस तक गए हुए थे, शायद उन्होंने। पिताजी अभी भी नहीं मिले, चलो। क्या डिस्कशन हो रहा है? हमें दिल्ली से ऑर्डर मिला है भैया। दिल्ली से ऑर्डर मिले? कैसे ऑर्डर? आपको लीव ग्रांट हुई है लव सक्सेस करने के लिए, लेकिन टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है मैम। क्या है भैया, 100 दुश्मनों से भी आप कभी नहीं डरते हो भैया, फिर ये गीता से इतना क्यों डरते हो? लव करना भी तो वॉर करने जैसा ही है भैया। आज आप आई लव यू जरूर बोलेंगे, इस ट्रिप पर आपकी शादी हो जाएगी। चुप है, अब क्या करना है? मुझे प्रपोज ही करना है ना। ठीक है, कर देता हूँ भैया। ये पहनने के लिए और ये स्प्रे डालने के लिए, ये उनके लिए बुके, प्रपोज करने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। भैया मैं चाहता हूँ आप अकेले आ जाइए। Excuse me. Yes. I'd like to meet Geeta, microbiologist. Yes, sir. कहिए आकाश आया है उनसे मिलने के लिए। Wait कीजिए please. Fast. Hello. Yep. Yeah. Okay. Excuse me. Yes. Doctor Geeta से बोलिए कि संजीव आया है मिलने। उनसे कहिए मैं वेट कर रहा हूँ। Wait कीजिए, मैं इन्फॉर्म करती हूँ। Oh, oh. Sorry, sorry. Sorry, bro. I'm Akash. संजीव. Nice to meet you. If you don't mind, इन दोनों उंगलियों में से किसी एक को पकड़ो तो please. क्यों? अरे पकड़ो bro. Okay. Oh, yes. Then my love will be success. Love? Yes, bro. Basically, I'm from California, bro. Mm. Microsoft my operational manager. Mm-hmm. Annual salary would be $1 million. $1 का 68 rupees है, bro. That's great. Anyways, one week back in India, 6 days back, एक लड़की को देखा. 5 days back, वही मेरी बीवी होगी ये fix कर लिया. Interesting. 4 days back, continuous dreams, bro. और 3 days back, heart disk crash हो गया. और 2 days back, अपने मम्मी पापा को ले जाके उससे propose कर दिया. And one day back she called me, I mean yesterday. And today वो अपना decision बताएगी. It will be okay ना bro? Bro, तुमको मना करने वाली लड़की तो पागल ही होगी. Thank you bro. Bro, तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना होगा, I insist. पक्का आऊँगा. Sir, आपको मैडम बुला रही है. Sir, आपको भी. Sure. Oh, come bro. गीता? 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 शर्ट नहीं, जैकेट है। थैंक्स ब्रो, मम्मी की पसंद है। माँ जी कैसी हैं? तुम्हारे जवाब का वेट कर रही है गीता। सॉरी संजीव, आकाश को देखते ही इतनी खुशी हुई कि तुम्हें भूल गई। आकाश ये मेरे बेस्ट फ्रेंड संजीव। हेलो। संजीव को बताए बिना मैं कोई भी डिसीजन नहीं लेती। हां जी, थैंक गॉड ही केम एट द राइट टाइम। संजीव, ही इज मिस्टर आकाश। ये जानते हुए भी कि मेरा कोई नहीं है, इन्होंने अपने माँ बाप के साथ आकर मुझे प्रपोज किया था। कितना बड़ा दिल है ना इनका। अच्छा, वेरी गुड, I'm very happy. चलता हूँ। रुको संजीव, इस वक्त तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। Actually, मैंने 2 दिन का टाइम इसलिए मांगा था कि मैं किसी लड़के से सिंसियरली प्यार करती हूँ। No issues. It's quite common actually. वो तो नहीं करता तुमसे प्यार। वो इडियट तो मेरी बात समझता ही नहीं। कौन है वो इडियट? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? अगर तुम किसी से प्यार करते तो क्या तुम बताते? अब तक उसे नहीं बताया तो तुम्हें क्यों बताऊँ? अरे ब्रो, 1 मिनट ना। झगड़ा किस बात का? It's quite common यार। ब्रो मैं तेरे लिए ही बात कर रहा हूँ। Okay, okay. जिससे लव कर रहे हो उसका क्यों तो ले सकते हो ना? मेरे लवर की हाइट है 6.2, बहुत शर्मिला है वो। मेरी लवर लड़ाकू है, बहुत बकबक करती है। Okay, okay, 1 मिनट है, 1 मिनट। जिस 6.2 की बात कर रही है वो ये तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। Okay, super. और वो तुम्हारी बकबक करने वाली obviously ये तो नहीं है ना? Chance ही नहीं। Super यार, quite interesting. Continue. मेरे लवर को Timex watch बहुत पसंद है। मेरी लवर को व्हाइट कलर पसंद है। वेट, वो व्हाइट कलर ये तो नहीं है ना? और तुम जिस टाइमिंग सोर्स की बात कर रही हो वो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। थैंक यू, आई एम रिलैक्स्ड। कंटिन्यू। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो उसका नाम बताओ। दैट इज द स्पिरिट, कम ऑन टेल मी। उसका नाम है संजीव। संजीव। और उस लड़की का नाम? लड़की का नाम गीता। जब तुम बुके लेके आए तभी मेरे दिल ने तुम्हें अपना मान लिया। ये बात बताने में तुम्हें 3 साल लग गए। अब तो बुके दे दो।
हे ब्रो, कहाँ जा रहे हो तुम? बैटल पूरी तरह क्लियर है ब्रो। मैं हॉलीवुड जाके थोड़ा खर्चा जरूर होगा, पर किसी फॉरेनर के साथ सेटल हो जाऊंगा। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। पहले ही 3 साल बर्बाद हो चुके हैं, अब मैं 3 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरा हाथ थाम के मुझे अपने घर ले चलो ना। क्या हुआ भैया? यस यानू। अरे माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कौन हो तुम बेटी? मेरा नाम है गीता। संजीव और मैं 3 सालों से एक दूसरे को चाहते हैं। अब साईं बाबा की भक्त है और अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। आप पूरे दिन में 4 बार कॉफी पीती है। आपको कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम बहुत पसंद है। गुस्सा तो आपको आता ही नहीं, लेकिन आप बहुत ही इमोशनल हैं। मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ। मैं आपकी बहू बन के नहीं, आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ। बहू हो तो ऐसी, तुम जैसा चाहती थी वैसी लड़की मिली है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। संजीव, ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई। आओ बेटा, अंदर आओ। आओ बेटी। सरप्राइज। गीता ने मेरे लिए नया चश्मा खरीदा है। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रही है। तुमने कहा था मेरी बेटी की तरह रहोगी, लेकिन ये तो मेरा माँ की तरह ख्याल रख रही है। एग्जामिनेशन रिजल्ट्स फरवरी, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, बीए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। अजय, मुझे पता था तो फर्स्ट आएगा। और मेरी बाइक? अभी खरीद के लेता हूँ। बाइक कितनी जल्दी किया है? पिताजी, हमने जो चाहा उससे ज्यादा इसने हासिल किया। बाइक अभी नहीं चलाएगा तो कब चलाएगा? तो चल। आपको कौन सा मॉडल चाहिए चूज कर लीजिए। आई वांट पल्सर इन आपने जो रिक्वायरमेंट बताई वो सेम स्पेसिफिकेशन की बाइक अभी अभी किसी ने ली है। वहाँ है, देखिए। तुमने क्यों खरीदी? अजय के लिए मैं नहीं खरीद सकती क्या? थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक्स। मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। अरे अजय, जल्दी आओ बेटा, बहुत लोगों को शादी के कार्ड बांटने हैं। ये क्या, अभी भी खांस रहा है? खांसी कम नहीं हुई क्या? चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। बेटा अजय, क्या हुआ तुझे? ए, 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 खांसी के लिए इतने सारे टेस्ट क्यों? आजकल तो वो ठीक से सोता भी नहीं है, शायद ये टेंशन की वजह से। सर, रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट देखिए, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। मतलब? लंग कैंसर। इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती क्या? आपका भाई एडवांस स्टेज में है, काफी देर हो चुकी है इलाज करने के लिए। अब ब्रेन और लीवर में भी फैल गया है, छोटी उम्र में है इसलिए सिम्टम्स का पता देर से चला। मेरे ख्याल से तो मैं इस केस में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। कैसे हो जाएगा भैया? मैंने हमेशा सबको धोखा दिया, आपको, माँ को, पापा को, अब्दुल कलाम को,
देश की सेवा करके बहुत नाम कमाना चाहता था मैं। तुम देश की सेवा करोगे अजय? इसने मेरे सपने को रौंद के रख दिया भैया। प्लीज ऐसा मत बोलो अजय, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। यही हिम्मत है भैया, तुम माँ और पापा का ख्याल रख सकते हो, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा हूं। सॉरी भैया, मुझे माफ कर देना। अजय, 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 संजीव गीता, अजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरा देखो। हमने सोचा था लंग्स ही डैमेज हुए हैं, मगर ब्रेन और लिवर में इफेक्ट हुए थे। इसे ही डिस्टेंस स्प्रेड कहते हैं। जनरली 20 साल से जिन्हें ये आदत होती है उन्हीं को इफेक्ट करता है, लेकिन अजय तो 20 साल का ही था। मेरे ख्याल से सिगरेट के अलावा उसे ड्रग्स की आदत पड़ गई होगी। सबको इस टाइगर ब्रांड की आदत है, हम एक साल से पी रहे हैं। शुरू शुरू में पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के लिए हमने टाइगर ब्रांड स्टार्ट किया था, अब इसके बिना जीना मुश्किल हो गया है। मुझे तुम लोगों का ब्लड टेस्ट करना होगा। संजीव, ये दोनों भी अजय की तरह ज्यादा दिन नहीं जी सकते। वेरी गुड, इस रिपोर्ट से टाइगर ब्रांड कितना डेंजरस है ये साबित होता है। आप मेरे साथ आइए। ये सभी लोग सिगरेट, गुटखा, मावा, बीड़ी की वजह से कैंसर से पीड़ित हैं। ये सब चोरी छुपे बिकता है, इन प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया। इन्हें रोकने के लिए इंडिया में हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कितने लड़ रहे हैं सर। दिन ब दिन इन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। सब लोग हिम्मत से जीना चाहते हैं और ये लोग शांति से मरने की राह देख रहे हैं। अंकल, पैसिव स्मोकिंग केस सर। आप भी सिगरेट पीते हो क्या?
नहीं बेटा, बच्चों के सामने नहीं पीना चाहिए अंकल। आप पियेंगे तो हमें तकलीफ होती है, जैसे मुझे हुआ वैसे आपके बच्चे को भी कैंसर होगा। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ अंकल। क्या मांगती हो बेटा? कि किसी को भी कैंसर नहीं होना चाहिए अंकल। अब किसी को नहीं होगा बेटा। टाइगर ब्रांड सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ये इसकी रिपोर्ट है। मेरा भाई इसे पीने से मरा, ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये दोनों भी इससे अफेक्ट हुए, ये रही इनकी कंप्लेंट। आप इमीडिएटली टाइगर ब्रांड पर एक्शन ले लीजिए। रिपोर्ट्स वगैरह तो ठीक है सर, लेकिन ये कंपनी किसकी है, ये प्रोडक्ट कहाँ पे तैयार होता है, इसके ओनर्स इंडिया से हैं या फॉरेन से है, कुछ पता नहीं। तो एक्शन किस पे है सर? इस डब्बे पे क्या? आजकल तो ऐसी आदतें बहुत कॉमन हो गई है, अगर इसे रोकना है तो एक कमिटी फॉर्म करनी होगी। फिर भी आपने कंप्लेंट दी है तो मैं ये केस कमिश्नर ऑफिस में फॉरवर्ड कर दूंगा। संजीव वो ठीक बोल रहे थे, इसे रोकने के लिए हमें टीम बनानी होगी। वो टीम हम होंगे। तुम छुट्टी पर होते हुए भी ड्यूटी कर रहे हो? प्रॉब्लम सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है सर, देश के अंदर भी है। आई एम प्राउड ऑफ यू, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। पूरे इंडिया में जो आर्मी ऑफिसर्स लीव पर है और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके फोन नंबर, स्काइप आईडीज और ईमेल आईडीज इमीडिएटली भेजिए सर। श्योर, सबसे कहूंगा कि तुम्हें रिपोर्ट करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना तुम सर, ऐसे सिविल मैटर्स में तुम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बी केयरफुल। अच्छा, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑक्सीजन। ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं। लो पियो। स्माइल। अगर आप आदेश दें तो सभी गोडाउन पर एक साथ रेड करेंगे। नो नो, ऐसा करेंगे तो शायद ओनर भाग निकलेगा। आई टॉक टू यू लेटर। ओके सर। तो फिर उन्हें कैसे पकड़ोगे तुम? हमारे दुश्मन को जब पता चलेगा कि उसका भी कोई दुश्मन है तो वो खुद ढूंढते हुए आ जाएगा। Good morning, sir. Come on, कौन है वो? क्या हुआ? हमारे टाइगर ब्रांड के बारे में फेसबुक पे किसी ने पेज क्रिएट किया है। अपलोड करके एक घंटा भी नहीं हुआ सर, 1000 लाइक्स आ गए। इमीडिएटली उस आईपी और पेज को मैंने ब्लॉक कर दिया सर। थोड़ी देर और जल्दी तो पूरे इंडिया में स्प्रेड हो जाता। किसने अपलोड किया ये? ये एक मोबाइल से अपलोड किया गया है सर। मोबाइल नंबर जब है तो लोकेशन ट्रेस करो। सर ये देखिए, ये जगह दिखा रहा है। लेट्स गो, मूव। कौन सी जगह है? सेंट जोसेफ कॉलेज के पास। उस नंबर पर तुम फोन लगाओ। फेसबुक पे टाइगर ब्रांड के बारे में किसने अपलोड किया है? मैंने ही किया। ए, कौन है तू? ए, वैसे तुम कौन हो? हम उसके ओनर्स हैं। बिजनेस में छेद होते ही भागते आए हो, मतलब ओनर तुम ही हो? क्या सभी ओनर कोट पहन के ही आते हैं? ए, टेंशन मत ले, जस्ट
क्वार्टर है। अब बोल रहा हूँ सुनो, अपलोड मैंने ही किया है लेकिन करवाने वाला कोई और है। मछली जैसे जाल में फंसती हो वैसे ही फंस गए तुम लोग। मतलब तुम खुद यहाँ नहीं आए, उसी ने तुम लोगों को बुलवाया। अबे कौन है वो? वो अंदर है, फंस गए अब क्या। कौन है तू? इंडियन आर्मी एडल्ट रोल मॉडल ऑफ यूथ। बॉर्डर पे निगरानी करने के बजाय हमारे बिजनेस में क्यों हाथ डाल रहे हो? उंगली इसलिए डालनी पड़ी क्योंकि तुम लोग काम ही ऐसा कर रहे हो। गलती गलती करोगे तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सारे सबूतों के साथ कल सुबह 11 बजे फर्स्ट केस मुंबई में अब्दुल कादर, नागपुर में प्रकाश नागरे, मध्य प्रदेश में महेश्वर, कर्नाटका में मंजुनाथ, केरला में मुकुंदन, इंडिया भर में 2600 लोग तेरी कंपनी पर केस फाइल करेंगे, उससे तेरी कंपनी सीज हो जाएगी। बस तेरी सिगरेट की कहानी खत्म समझो। तुम मुझे अंदर करवाओगे तो थोड़ी ही देर में मैं बाहर आ जाऊंगा। तैयार कर रहे टाइगर ब्रांड सिगरेट आगे से कोई भी बनाएंगे या बेचेंगे तो उन्हें कठिन से कठिन सजा मिलेगी। ये कोर्ट का आदेश देते हुए उस ब्रांड का निषेध किया गया है। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मुझे कोई चिंता नहीं है बेटा, मैं समझूंगी। तेरा भाई देश के लिए कुर्बान हो गया, उसकी मौत ने कितने सारे लोगों को बचा लिया और उन लोगों में कहीं वो भी जिंदा है। हेलो ऑफिसर, तुम देश का ख्याल रखो, माँ और पिताजी का मैं ख्याल रखूंगी, वो मेरे साथ मेरे ही घर में रहेंगे। सुनो डॉक्टर बहू, वैसे भी शादी के बाद हमारे साथ ही रहना है, क्यों ना कपड़े पैक करके हमारे साथ चलो। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। दीजिए, फ्लास्क में कॉफी है, साथ में स्नैक्स वगैरह भी है, साइड बैग में ब्रश पेस्ट और सोप है। ठीक है, अब जाओ। अरे अभी 5 मिनट है ना, तुम्हें जल्दी क्या है? कुछ और देर तुम मेरे सामने रहोगे तो मैं रोने लगूंगी। hey, तुमने 3 साल वेट किया है, 6 महीने वेट नहीं कर सकती क्या? तब तुम्हारे इंतजार में हिम्मत मिलती थी, अब तुम जा रहे हो तो मुझे डर लग रहा है संजीव। hey, रो मत, एक दिन की छुट्टी मिलेगी तो भी आ जाऊंगा। टाइम हो गया, चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। माँ चलता हूँ, पिताजी चलता हूँ। बेटा अपना ख्याल रखना। हेलो सर, मैं एसआई महेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। अभी कुछ देर पहले कुछ लोग आए थे जो ये जानना चाहते थे कि टाइगर ब्रांड के बारे में रिपोर्ट किस तरीके हुई है। मेरा मशवरा है कि आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। टैक्सी, अर्जेंट मुंबई जाना है। ओके सर, बैठिए। अरे मुझे
लगे हो? कोई बात नहीं बेटी, तुम ताला लगा के आ जाओ, हम नीचे इंतजार करेंगे। ठीक है। हाय संजीव। हेलो गीता। पावर पिताजी को लेकर अभी वहाँ से निकल जाओ। जो केस फाइल किया उसके बारे में कोई इंक्वायरी कर रहा है, किसी भी वक्त वो वहाँ पहुँच सकते हैं। एक मिनट में मत रुकना, नीचे के वहाँ से निकलो। हेलो हेलो गीता, गीता हेलो गीता, कोई आया है? कौन है वो लोग? हेलो हेलो गीता। नमस्ते बेटी। नमस्ते बेटी। संजीव जिसका जिक्र कर रहा था ये वही लोग है क्या? हम लोग एक एनजीओ से आए हैं, टाइगर ब्रांड के खिलाफ रिपोर्ट आपने लिखवाई है। जी हाँ। तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, इसीलिए आपको मुबारकबाद देने आए हैं। किसी भी हाल में इन्हें संजीव के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। गीता बात करो। और कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, गीता को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ये बात है। पिताजी, पिताजी को इनसे बचाना होगा। आइए आप लोग अंदर आके बैठिए, वहां बैठिए। कौन है? हे क्या बेटी, इतनी देर लगा दी? अभी अभी लैब से फोन आया था, मुझे तुरंत जाना होगा। आप जाइए, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ बेटी। ओके, भाग जाओ भाग जाओ, सही टाइम है, अभी भाग जाओ। कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है? बगल वाले अंकल मंदिर जाने के लिए बोल रहे थे, मैंने कहा मुझे काम है। आप लोग कुछ चाय कॉफी वगैरह कुछ लेंगे क्या? नहीं बेटी, वैसे तुमने ये किया है हमें विश्वास नहीं हो रहा है। आपके पीछे कोई और भी है क्या? मैं एक अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ये मैंने ही किया है। चश्मा भूल गया बेटी, तेरी माँ जी नीचे वेट कर रही हैं, जल्दी से निकलो। ये सब लोग कौन हैं? चश्मा यहाँ कैसे भूल गए, वैसे आप हैं कौन? मेरे ही घर में आके मुझसे ही सवाल कर रहे हो, आखिर आप लोग कौन हैं? घर तुम्हारा कह रहे हो, फिर ये लड़की? मेरी बहू। पिताजी। तुम रुको बेटी, आप बोलिए। आपका बेटा? मेरा बेटा बाहर गया है, उसे आने में देर होगी। अगर आपको कुछ हो गया तो भी नहीं आएगा। कौन है बेटी ये लोग, कैसे दिख रहे हैं हम लोग तुमको? पिताजी अब तो आएगा ना वो? इन्हें क्या हो गया? छोड़ दो मुझे, इसमें जाने दो, हम कुछ नहीं जानते, प्लीज इसे छोड़ दो। ये सब तुमने किया, क्या हम भरोसा कर ले? बोल तेरे पीछे और कौन कौन? तेरा पता ढूंढते हो, जैसे यहाँ पहुँच गए हम उस तक भी पहुँच सकते हैं। अगर उसका पता बता दोगी तो तुम सबको छोड़ देंगे। बताओ कौन है वो? उसे बचाना चाहता है। मेरा नाम बता दो माँ, मेरा नाम बता दो। मेरे बेटे को मारा, मेरी बेटी को विधवा बना दिया, तब तकलीफ नहीं थी तुम्हें? उसका नाम बता दो वरना बेवजह तुम लोग मारे जाओगे। बता दो नाम। नहीं नहीं नहीं। ओए जाके उसे पकड़ो, जाओ खत्म कर दो उसको। तुम लोग भी जाओ। नहीं तो उसे। अरे पकड़ ले उसको। अरे जाके उसे कैसे पकड़ो? एक जाओ। ए पकड़ ले तो बंद करो। जो भैया गया सर क्या करूं? तुम लोग जिसे ढूंढ रहे हो वो जरूर आएगा। जब वो आएगा तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। एक बार तुम्हें देखने का मन कर रहा है सचिन।
चलो भागो। प्यार के लिए जान दे देते ऐसे सुना था, लेकिन मेरी गीता ने तो सच में अपनी जान दे दी। गीता की अपार्टमेंट सिक्योरिटी से मैंने तुम्हारी कार का नंबर लिया था। हमने आरटीओ ऑफिस में इंक्वायरी की, ये बात तुम्हारे बड़े पापा को पता चल गई थी, इसीलिए तुम्हारे बड़े पापा को मारना पड़ा। उनकी मौत की वजह से तुम्हारे घर वाले डर गए, उससे उनका गांव से बाहर निकलना बंद हो गया। पर उन सबको मारने के लिए तुम्हारे बड़े पापा के फोन से मेरे डिटेल्स तुम्हारे पिताजी को भेजकर मैं दूल्हा बनकर तुम्हारे घर आया। अब्दुल कलाम जैसे बनने की ख्वाहिश रखने वाले मेरे भाई जैसे कितने लोगों की जाने तुम्हारे परिवार वालों ने ली। क्या मैंने गलत किया? तुमने जो किया गलत नहीं है। ऐसे परिवार में पैदा होना मेरी बदकिस्मती है, लेकिन मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। अगर हम ये सब उन्हें बताएंगे तो वो जरूर सपोर्ट करेंगे। तुम्हारे पिताजी को बताने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। युद्ध करते वक्त हमारी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, और अब मेरा टारगेट है वो फॉर्मूला। सपोर्ट ने नौजवानों को गुलाम बनाने वाले उस सिगरेट का फॉर्मूला मुझे हासिल करना है। तुम्हारे लोगों को मारकर अगर फॉर्मूला छोड़ दूंगा तो वो किसी दूसरे के हाथ लग जाएगा। लीगली फाइट करूंगा तो इलीगली दूसरा ब्रांड शुरू कर देंगे। मेरे परिवार की मौत का बदला लेने वाला कोई कॉमन मैन नहीं हूं मैं, कमांडर। ये पूरा देश मेरा परिवार है, इसीलिए यह महायुद्ध। हमारे बिजनेस से संबंधित सारी डिटेल्स हमारे चाचू एक गोडाउन में सेफ रखते हैं, तो शायद उस फॉर्मूला की डिटेल्स भी वही हो सकती है। वो गोडाउन कहाँ पर है? हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर। भैया आपका शक सही निकला, ये यहाँ का वॉचमैन है, कह रहा था चार लोग आए थे। बोल रहे तीन आदमी और एक औरत आई थी सर। कहाँ गए वो लोग? अभी अभी एक काली गाड़ी में गए हैं। चलो सब लोग। ए गाड़ी रोको, इस तरफ कोई काले रंग की गाड़ी गई है? अभी अभी इस तरफ गई है। चलो। अरे रुक रुक रुक, अरे हेलमेट पहन लिया कर। चल ठीक है साहब, अगली बार बड़ी गाड़ी लेकर आना, बैठने में तकलीफ हो रही थी। तुम लोगों को मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा पता है? क्यों ये क्यों पूछ रहे हो? घर में आए मेहमान के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं? वहां का टेंशन में बीपी बढ़ रहा है, और यहाँ तुम लोग कार में गांव गांव घूम रहे हो। कभी कभी वो 10-20 हजार रुपए दिया करती थी, अब वो भी गायब हो गए। पता है 4 दिन हो गए दारू पिए हुए, फेसबुक पे पोस्ट किए पूरे 10 घंटे हो गए, फोन में सिर्फ 1 रुपए बचा है। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? अगर तुम मुझे 10 हजार रुपए दोगे तभी मैं शादी जाऊंगा। अरे बाप रे, गाड़ी कहाँ दे उसका? जाओ जाओ, देखता हूँ मैं तेरे बिना कैसे काम चलेगा। भगवान करे तेरे दोनों टायर पंचर हो जाए। हाँ लिप लिप लिप। हाँ ये तो श्रुति थी। हाँ अरे बाप रे, कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों एक दूसरे से छुपा छुपी खेल रहे हैं। ये मैटर फेसबुक पे पोस्ट भी नहीं कर सकता, कम से कम दोस्तों को तो फोन कर देता। इसमें तो सिर्फ 1 रुपया बचा है, मिस कॉल देता हूँ। भैया सर्किट के फोन से मिस कॉल आया है, दोबारा फोन करे तो गोल मार डालूंगा। मिस कॉल देने वाले को वापस फोन करना चाहिए, इतनी अकल नहीं है नालायक को। सिर्फ 1 रुपया बचा है, कोई बात नहीं फिर फोन करता हूँ। भैया सर्किट का फिर फोन आया। ये तो भैया टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ ना। हेलो हेलो जीजा जी। अरे पागल की औलाद, अरे मेरी बात तो सुनो। तू खुद को समझता क्या है? दामाद की और श्रुति। भैया का गुस्सा देखा है ना तूने? मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना इतना मारूंगा कि तेरे घर वाले पहचान नहीं पाएंगे, समझ गया? घर वाले पेट वाले। अरे तू किसको मोटू बोल? अरे इसमें 1 रुपए बैलेंस है। अरे मेरी बात तो सुनो भाई, वरना तेरी दोनों आंखें निकाल कर बॉडी खेल जाऊंगा, समझ गया ना? हेलो 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 सुनो। अरे अरे सुनो, हेलो अब कभी फोन नहीं करेगा वो। बैलेंस खत्म हो गया, 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। कुछ करना होगा, श्रुति को किसी भी तरह फॉलो करना होगा। अच्छा साइकिल आस पास कोई नहीं है। अरे मेरी साइकिल तुम क्या लगा मेरी है? देखो तुम कहाँ जाते, भगवान से दूसरी मांग लेगा। Thank you.
संजीव, ये कोई पाताल भैरवी की गुफा लगती है, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा, चलो चलते हैं। रुको। This movie download from HD Hub for you. हेलो, इसका इस्तेमाल करो, वहां देखो। ये थंब इंप्रेशन डोर लॉक है, मेरे चाचू के फिंगरप्रिंट के बगैर नहीं खुलेगा। जरूरत नहीं है, इस पर जिसका भी फिंगरप्रिंट हो उसे स्कैन करके इसे ओपन कर सकते हैं। अमित, ओपन। संजीव, उस फॉर्मूले की फाइल इसी लॉकर में होनी चाहिए। संजीव, इस पासवर्ड को ओवरराइड करने में पूरे 3 घंटे लग जाएंगे। हमारे पास वक्त नहीं है, मैन्युअली ट्राई करते हैं। संजीव, अगर हमने गलती से 3 बार रॉन्ग पासवर्ड यूज किया ना तो ये डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और हम यहीं फंस जाएंगे। अरे वादेव, वहीं लगा चला, देख चला, उसके आगे चल के रो, आगे चल के रो। ए, रोक रोक, आगे रो। ए, बाहर निकलो। अरे नहीं स्वामी जी, आप क्षमा कीजिए स्वामी जी। कितने डिजिट्स का पासवर्ड है? 6। हमारे घर में सबकी लाडली हूँ मैं, मेरा नाम भी 6 डिजिट्स का है। ऐसे होती, उसे ट्राई करते हैं। हम यहाँ पहुंचे ही उन्हें पता चल गया, वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। हमारे घर का दामाद बनकर हम सबको बेवकूफ बना रहा था ये। भैया, वो सर्किट है ना, दामाद जी और श्रुति के बारे में फोन पर कुछ बोलना चाह रहा था। भैया फोन कीजिए उसे। अब इसने क्यों फोन किया देखता। हाँ बोलो, क्या बात है? कहाँ हो? तेरे से तो कोई काम बना नहीं, मैंने सोचा दामाद जी से पैसे ले लूंगा इसलिए गोडाउन में आया हूँ। अरे बेवकूफ, वो दामाद नहीं है, हत्यारा है। हत्यारा? बाप रे। हेलो हेलो, साइकिल को यूटर्न लो वरना मुझे मार डालेगा। फोन आ गया। हेलो, फोन क्यों काटा? कट नहीं हुआ था, मैंने काटा था, तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा सुनो, फोन मत काटना। अच्छा बोलो क्या करना है? गोडाउन के अंदर जाओ और जैसा मैं कहता हूँ करो। गोडाउन में जाऊँ? मुझे मरना है क्या? मैं नहीं जाऊँगा। तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। अच्छा अच्छा, तो अपनी कंपनी के सारे एक्ट मुझे दोगे ना? एक्ट फिल्म क्या है, मैं तुमसे एक्शन फिल्म बनवाता हूँ। अरे बाप रे, एक्शन फिल्म डबल लैंग्वेज में बनाऊंगा तो चलेगा ना? ओके। तो क्या बोल रहे हो? Now what can I do for you? संजीव, वो कभी भी यहाँ से थे, उससे पहले ही पासवर्ड पता करना। Don't move. Hands up. जीजू, तुम्हारी दी हुई गन मेरे हाथ में है और ये तीनों मेरी गन पॉइंट में है, मेरी उंगली ट्रिगर पर है और इस सर्किट का निशाना कभी चूकता नहीं। इस सर्किट को ट्रिगर दबाने के लिए मत उकसाओ, वरना सबके सब मारे जाओगे। You come soon. I am waiting. श्रुति, डरो मत, मैं हूं ना, तुम आओ मेरे पास जल्दी। श्रुति, ये क्या कर रही हो? वो विलन है। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो हीरो है। रोड में जाने वाले सांप को पकड़कर धोती में डाल रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे ये क्या था सर, बहुत टेस्टी था। टैबलेट बॉम्ब। टैबलेट बॉम्ब? हाँ, बॉम्ब ही है। तुम ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करोगे तो ये फट जाएगा, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। सर लेट की बत्ती लूंगा तो? तब मैं ये रिमोट बटन दबा दूंगा, बॉम्ब अंदर फट जाएगा, इसलिए मुंह बंद रख। तुम्हारे घर वालों का मनपसंद फ्रूट या गेम या प्लेस या डेट कोई है क्या? हाँ, डेट से मुझे याद आया, मेरे बड़े पापा से लेके चाचू तक सब लोग जुलाई में ही पैदा हुए हैं, तभी जुलाई में बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं हम। जुलाई? ये तो सिर्फ 4 अक्षर हुए। जरा सोचो, जुलाई में पैदा हुए हैं तो सबकी राशि एक ही? इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक जुलाई में पैदा होने वालों की राशि कैंसर, 6 डिजिट्स। यस। यस।
बाहुबली फर्स्ट हाफ और रोबोट सेकंड हाफ मिक्स करके हॉलीवुड जाके बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा। लॉकर में तो सिर्फ पैसे हैं, फॉर्मूला नहीं है, अब क्या करें? ये पूरा पैसा गाड़ी में चढ़ा दो, फॉर्मूला हमें खुद ढूंढते हुए आएगा। ए, चल। ए। से लेकर चला गया। चेक पोस्ट पर मेरे आदमी होंगे, वो उसे नहीं जाने देंगे, तब तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा और उसे वहीं पर खत्म कर दूंगा। भैया, बड़े भैया का फोन। भैया को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। हेलो भैया, बेटी और दामाद जी का कुछ पता चला? बेटी और दामाद मिल गए हैं भैया, लेकिन क्या बात है, हमारे साथ रहकर हम लोगों का विश्वास जीता और हमारे ही आदमियों को मार डाला, और ये सब करने वाला वो अमेरिका वाला ही है, और हमारी शिल्पी को भी उसने ही किडनैप किया है भैया। अरे तेरी किस्मत खुल गई सर की, कंटेनर तेरे हाथ लग गया। जीजू सर किस तो आपके पास आ रहा था जीजू, उससे अपना पूरा पैसा ले आया। जीजू हमारे पैसे है, हमारे जीजू का पैसा हुआ तो मेरा हुआ कि नहीं? क्यों जीजू मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। मुझे सॉरी बोले, सॉरी बोलो तेरी तो, इसने मुझे फोन पर गाली दी थी जीजू, सॉरी बोल दे, सॉरी। हाँ ठीक है, अब जाके डोर ओपन कर लीजिए। फट जाएगा। मोशन टैबलेट है मेरे पेट में, इसका मतलब बॉम्ब नहीं है। यहाँ मेरे पैसे नहीं है जीजू, ये सब उसी का प्लान है। मैं उनके साथ में रहा, मुझे एक रुपया भी नहीं दिया। मुझे लगता है उसने पैसे पूरे भारत में बांट दिए होंगे। 5,000 करोड़ कहाँ है? मेरे अकाउंट में किसी ने 5,000 रुपए डाल दिए, पता नहीं किसने किया। कोई फेक मैसेज हो सकता है। ए, किसी ने मेरे अकाउंट में भी 5,000 डाल दिया। अरे SBI से मेरे अकाउंट में भी 5,000 आ गए, मजा आ गया। मेरे अकाउंट में भी 5,000 डाले की सच क्या? कोहली का सिक्स मारना कोई नई बात नहीं है, बिना नाम बताए किसी ने 5,000 डाला नहीं, ये नई बात है। बेटा ये मेरे मोबाइल पर कैसा मैसेज आया बताओ तो? आपके अकाउंट में किसी ने 5,000 डाले? सामान फेंक दिया, अब ये पैसा उसके मुंह पे फेंकूंगा। मेरे पापा तो पॉकेट मनी नहीं देते, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पैसा कहाँ से आया और किसने डाला। इस मनी ट्रांसफर का पता लगाने के लिए एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने ये केस CBI को सौंप दिया है। दो घंटे में पता लगा लेंगे, जस्ट 2 आवर्स। अरे वाह, क्या जमाना आ गया, पहले अकाउंट से पैसे कट जाते थे, आज 5,000 आ गए। जरूर किसी भले मानुस का काम है ये। आखिर तो पैसा डाला है, उसे पकड़ेंगे क्या? हेलो, बोलो सुरेश। हेलो सर, आपने ठीक कहा था, इनकी केमिकल फैक्ट्री में बैक साइड पर एक प्राइवेट कंपाउंड है, उसमें वेयर हाउस है सर, वहाँ किसी को जाने नहीं देते। आप जिस फॉर्मूला को ढूंढ रहे हैं शायद वो वहीं मिल जाए। वहाँ अंदर क्या हो रहा है देखो, बट बी केयरफुल। ओके ओके सर। अटेंशन अटेंशन एवरीवन। अभी अभी होम सेक्रेटरी से फोन आया है।
कि पूरे हिंदुस्तान में 50 लाख लोगों में 5 लाख करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये ऑपरेशन हमारे राज्य से ही हुआ है। इतने लोगों को पैसे उसने कैसे डाले हैं? शशिधर सर, तुरंत मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। ओके सर। मार्केटिंग के लिए जैसे हम डाटा हासिल करते हैं वैसे ही उन्होंने भी किया होगा। बिना आईडी प्रूफ के इतने लोगों को वो पैसे कैसे भेज पाया? डेफिनेटली किसी के अकाउंट के थ्रू ही उसने डाला होगा। कम ऑन, चेक करो। यस सर। 2000 लोगों का आईडी यूज किया सर। 2000 लोग, सबको पकड़ो, एक भी छूटना नहीं चाहिए। आईडी देखा ओरिजिनल है ना? इफ यू गॉट एनी इंफॉर्मेशन टेल मी इमीडिएटली। किसी को भी नहीं पकड़ सकते। क्यों? सभी मर चुके हैं सर। कैसे? ड्यू टू कैंसर। ओके, तो मरे हुए लोगों के आईडी का इस्तेमाल करके ये सारा पैसा ट्रांसफर किया गया है, क्या ऐसा हो सकता है? सर, सबका वोटर लिस्ट कॉपी सीसी ने दिया है सर। सर, 1000 रुपए के काम के लिए 5000 रुपए मिले हमको। किसने? वो कौन है मुझे नहीं पता सर। उसने 5000 रुपए मेरे अकाउंट में डाले तो मैंने काम कर दिया। किस नंबर से फोन किया उसने? इस नंबर से। सैटेलाइट फोन। शशि सर, गो थ्रू इट। ओके सर। मुश्किल है सर, ये सैटेलाइट फोन आर्मी नेटवर्क में है। आर्मी से? शशि सर, डिफेंस सेक्रेटरी से बात करके परमिशन ले लो तो। ओके सर। इमीडिएटली। थैंक यू सर, परमिशन ग्रांटेड। सर, राजमंड्री एरिया में दिखा रहा है। राजमंड्री की फ्लाइट टिकट बुक कराओ सर। लोकल टीम को अलर्ट करो, उस फोन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करो। आज ही मैं उसे पकड़ लूंगा। मूव। हाँ सुरेश, कुछ पता चला तुम्हें? सर, उस प्राइवेट कंपाउंड में सर्वर रिपेयर करने के बहाने आया हूँ सर। आपका डाउट करेक्ट है सर, यहाँ कंप्यूटराइज इलीगल सिगरेट प्रोडक्शन चल रहा है। एक मेन सर्वर से पूरे सिगरेट्स की फिलिंग, पैकिंग, प्रोडक्शन सब ऑटोमेटिकली हो जाता है सर। ये सब रोकने के लिए तुम्हें पूरा सिस्टम क्रैश करना होगा। हाँ सर, और यहाँ का फायरवॉल प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ओवरराइड करना मुश्किल हो रहा है सर। तुम मुझे अपना लोकेशन भेजो, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। संजीव, पुलिस आ गई। वो यही कहीं होगा। इस एरिया को चारों तरफ से घेर लो, बिना चेक किए किसी को बाहर मत जाने दो। Come on, move, move, move. क्या कहा? मॉल में पुलिस आ गई है। क्या? अब क्या करें? सर, आपका फोन बज रहा है। हेलो, वेलकम टू राजमंड्री। कौन कौन बोल रहा है? मैं हूं एक कॉमन मैन। तुम कोई कॉमन मैन नहीं हो, तुम आर्मी मैन हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए विदेशों के साथ मिलकर पैसा बांटा है तुमने, ये भी मैं जानता हूं। इसमें तुम्हारा कमीशन कितना है बोलो? 43,500 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे देती है, देश को बर्बाद करने के लिए नहीं, उसकी रक्षा करने के लिए। ओह, इतना अच्छा काम है तो हमें बता के कर सकते थे। सॉरी सर, मिलिट्री सीक्रेट्स किसी को नहीं बता सकते, आप जानते हैं ना। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूंगा। आप किसे पकड़ेंगे सर? आपके सामने लाल शर्ट में जो आदमी बात करते हुए जा रहे हैं उसे पकड़ेंगे? Hey, पकड़ो उसे। क्या हुआ? मुझे क्यों पकड़ने? या फिर शॉप से बाहर आ रहे सेल्स एग्जीक्यूटिव को? मुझे पकड़ने के लिए आपके पास जो ब्रेन है ना वो काफी नहीं है सर। 4 घंटे के अंदर मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। ए, बंद कर अपनी बकवास। तुमने अपने आप को हमारे हवाले नहीं किया तो मुझे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड? क्या करेंगे सर, एनकाउंटर करेंगे? मिलिट्री वाले पर ही बंदूक चलाने की धमकी दे रहे हो? उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम लोग चलाएंगे तो कोई परमिशन नहीं। ए, तुम मेरे सामने आके तो दिखा, देखता हूं आज तू कैसे बचता है। मुझे वहां से निकले बहुत देर हो गई है। सी यू सून। वो इतनी देर हमारे सामने खेलता रहा, हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक्सक्यूज मी।
पैसा हमारे पास होगा तो फॉर्मूला खुद ब खुद आ जाएगा। बोला था ना फॉर्मूला मिलने से पहले लगता है पकड़े जाएंगे। फॉर्मूला के लोकेशन का पता चल गया, तुम सेकंड मैसेज भेजो। नौजवानों के हाथ इंडिया, मैंने तुम लोगों को ये पैसा क्यों भेजा ये जानना चाहते हो तो रात 10 बजे इस वीडियो लिंक को ओपन करके देखो। ए, हम सबको जिसने पैसा भेजा है उसको हम बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। नौजवानों के हाथों में इंडिया, इस वीडियो में क्या होगा, जहां देखो यही खबर है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि क्या इस वीडियो से पूरे भारत में हलचल होगी या नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, टीवी में ये सब जो दिखा रहे हैं वो सब एक पब्लिसिटी स्टंट है, वो कोई अश्लील वीडियो होगा नहीं। नहीं, वो आज की यंग पीढ़ी को एक मैसेज देना चाहता है। बेटा इस फोन में इंटरनेट डाल दो। क्या करोगे इंटरनेट लेके? जिसने पैसे डाले हैं उसकी शक्ल देखनी है। इस फोन में नहीं चलेगा, मैं अपने फोन में दिखाता हूं। ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी सर, होम सेक्रेटरी का फोन है। बोलिए सर। दूसरे मैसेज में से वीडियो लिंक भेजा है, उसे किसी हाल में रोकना होगा। मुश्किल है सर, एक बार लिंक एक्टिवेट हो जाए तब उसे रिमूव नहीं कर सकते। हमारे रोकने से पहले अगर उसने सब कुछ बता दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इट विल रीच पब्लिक। तुम चाहते हो कि मैं भी वो वीडियो देखूं? क्यों? बिल्कुल सर। श्रुति, मुझे एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? आज रात को ठीक 10 बजे मैं इसके जरिए अंदर से एक वीडियो लिंक ट्रांसमिट करूंगा। उस लिंक को अपलोड करना है। अंदर मेरे साथ कुछ भी हो जाए ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए, ये पब्लिक तक पहुंचना ही चाहिए। मेरे लिए इतना करोगे ना? प्रॉमिस। थैंक यू संजू। जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझमें हिम्मत होती है, अब तुम जा रहे हो तो मुझे डर लग रहा है। तब तुम्हारे इंतजार में हिम्मत मिलती थी, अब तुम जा रहे हो तो मुझे डर लग रहा है संजीव। मिलिट्री में इनकी तरह मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। युद्ध में अचानक एक बुलेट आकर हमें लगती है और हमारे सामने जान निकल जाती है। उस वक्त हम बच गए ये सोचकर खुश होते हैं, लेकिन हमेशा जिंदा रहेंगे ये सोच के नहीं। नेक्स्ट बुलेट मुझे लगेगी, पता है, जानता हूं कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों मर रहा हूं ये जरूरी है। बाय। श्रुति। बोलो संजू। सुरेश को कनेक्ट करो। ओके। सुरेश सर। बोलिए सर। मैं नॉर्थ फेस कंपाउंड के पास हूँ। वन सेकंड सर, 3 मिनट के लिए पावर ऑफ कर रहा हूँ, आप अंदर आ जाइए सर। ओके। सुरेश, we are in। सर, आपने जैसा कहा था मैंने सारी जगह कैमरास फिक्स कर दिए, ठीक 10 बजे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। ओके गुड। हेलो। हाँ अमित, ऑल सेट, रेडी टू गो। ओके कैरी ऑन। सुरेश, सुरेश कम ऑन द लाइन। सुरेश वेयर आर यू? सुरेश, 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 संजीव कम ऑन। सुरेश, 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 सत्या, 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 संजीव कम ऑन। सत्या, हे सत्या। राणा सिर्फ तुझे ही आता है क्या? अब देख तो मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। अब तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। जय हिंद। Oh!
कितने लोगों को मारोगे? कितने लोगों की जाने लोगे? बहुत कमीने। बाहर ईमानदारी का ढोंग रचाते हो और अंदर इस जहरीली सिगरेट का बिजनेस करते हो। तोड़ने उसे बैन करने पर भी तुम लोग फिर से उसी फॉर्मूला से नया ब्रांड बनाते हो। बता, वो फॉर्मूला किधर है? हे, फॉर्मूला किधर है? बता, 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 फॉर्मूला किधर है? मुझे बता, फॉर्मूला किधर है? संजू। पिताजी। लेट्स मूव मूव। क्या देख रहे थे? यही है मेरा असली गेटअप, यही है मेरा ओरिजिनल प्रोफेशन। घर में हर कोई कमीना रहेगा तो भला तू कैसे अच्छा हो सकता है? लेकिन तेरी बेटी, तेरी बेटी ये समझती है कि तू बहुत अच्छा आदमी है। मैं कोई पागल हूं क्या? आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मैंने पब्लिक से सिगरेट पीने के लिए कहा क्या? वो खुद ही पी रहे हैं और खुद ही मर रहे हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? हर बिजनेस का एक उसूल होता है। सुई से लेके दिल के ऑपरेशन तक डिस्काउंट देते हुए अपने पास लोगों को बुलाते हुए व्यापार करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं किया। पागल है ये पब्लिक, उन्हें जिंदगी की परवाह नहीं है, वो एंजॉय करके जीना चाहते हैं। एक मिनट के आनंद के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है पब्लिक। और उस वीकनेस को मैं कैश कर रहा हूं, तो गलत क्या है? तुम्हारा बिजनेस करना गलत नहीं है, लेकिन अपने फायदे के लिए उन्हें बार बार अपनी जहरीली और मिलावटी सिगरेट पिलाकर उन्हें जो एडिक्ट कर रहे हो ना, ये गलत काम है। वो सिगरेट कैंसर फैलाकर मेरे भाई जैसे हजारों नौजवानों की जान ले रही है। पर्सनल रिवेंज है। मुझे तो लगा तो पब्लिक के लिए लड़ रहा है। तुझे फॉर्मूला चाहिए ना? वो कहीं और नहीं, यहाँ है, यहाँ पर है वो। अगर ये पूरी फैक्ट्री चल भी गई ना, तो मैं कहीं दूर जाके इसी कॉम्बिनेशन से एक छोटी बीड़ी बना के मार्केट में लाऊंगा। फिर उसके लिए भी पब्लिक पागलों की तरह उस पर टूट पड़ेगी। तुम्हें मारना होता तो बहुत पहले मार देता मैं, लेकिन तुम्हें मारने से दूसरा आएगा, उसे मारने से तीसरा। मारना ही है तो जनता की कमजोरी को मारना होगा। इसीलिए आज तक रुका हूं। देखा ना इसका असली रूप? अब तो अपने आप को बदलो। तुम लोगों के लिए हम बॉर्डर पर अपनी जान देते हैं। हमारे त्याग का अर्थ है, तुम्हारी मौत का कोई अर्थ नहीं। तुम में से बहुत से लोग इस देश के काम आ सकते हो, लेकिन तुम इस नशे में फंसकर एक मिनट के किक के लिए मर रहे हो। उस नशे से बाहर निकलो, और अगर बदलना नहीं चाहते तो हमारे साथ बॉर्डर पर चलो। साथ में मरेंगे तब उस मौत का कोई अर्थ होगा। क्या बकरा, किससे बात कर रहा है तू? तुम अब तक जो बकवास कर रहे थे ना, वो सब जनता ने सुन लिए। तूने सिर्फ एक ही गलती कर दी, फॉर्मूला यहां है बता दिया। मां ओके ना? पिताजी ओके ना? तैयार हो जाओ।